रॉक्स टीम्स तो मैं आप लोगों के लिए आ गया भाई, वो मैच कवर करने जो कि खेला जाएगा फिनिश प्रीमियर लीग T20 का GHC वर्सेस VCC के बीच 1 घंटे 47 मिनट बाद। तो आपको बता दूं भाई, फाइनल टीम आपको इसकी कहाँ मिलेगी, लाइनअप्स के बाद आपको इसकी फाइनल टीम मिलेगी मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है भाइयों AB रॉक्स ड्रीम 11 टीम्स। अगर आप इसको ज्वाइन करते हैं इधर आप पा सकते हैं 100% विनिंग टीम और इधर आप जीत सकते हैं कुछ ऐसे, देख लीजिए। तो चलिए भाइयों आगे बढ़ते हैं, अब ना ज़्यादा बातचीत ना करूं। तो GHC वर्सेस VCC अच्छा मैच है, काफ़ी ज़बरदस्त मैच है। बात करें अगर हम इसमें आप खेल सकते हैं हेड टू हेड 3 मेंबर एंड 4 मेंबर मीडियम इन्वेस्टमेंट के साथ। तो चलिए अब आपको टीम दिखाते हैं। टीम दिखाने से पहले ये बोलना चाहूँगा, जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लो लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए बात करते हैं अगर हम विकेट कीपर की, सारी एनालिसिस हो चुकी है। बात करें विकेट कीपर की तो मैंने यहाँ से दो विकेट कीपर क्यों लिए मैं आपको बताता हूँ। ATQ की बात करें जो कि GHC का टॉप ऑर्डर का बैट्समैन है, मैं मानता हूँ विकेट कीपिंग तो करता है नॉर्मल, लेकिन बात करें इसकी बैटिंग की तो बैटिंग में नॉर्मल है। 15-20 रन अगर ये आपको दे तो वो भाई बुरे नहीं है, क्योंकि 77% लोग इसके साथ गए हैं जैसे कि आप देख सकते हैं। नीचे लूँगा मैं सी जिया सिंह जो कि प्रीवियस मैच के अंदर 45 रन मारे थे और 45 रन में इसके 7 चौके प्लस 1 छक्का। तो मैं इसकी बैटिंग देखे उस वक्त भी भाई शॉक हो गया था कि एक विकेट कीपर इतना ज़बरदस्त खेल रहा है, टॉप ऑर्डर्स का प्लेयर है, ओपनर या ओपनर तो नहीं लेकिन ये वन डाउन आ जाता है और वन डाउन में जो भाई पूरा एक बार तो दिखा देता है कि मैं क्या बैट्समैन हूँ भाई। तो इसके साथ आप जा सकते हैं। बात करें बैटिंग की तो जी नाजिर एक नॉर्मल बैट्समैन है जो कि आपको 15-20 रन दे पाएगा, क्योंकि इनकी बैटिंग पिच नहीं है, इनकी बॉलिंग पिच है, तो इसमें विकटें उड़ने के पूरे पूरे आसार हैं। तो आपको बता दूँ इसलिए बैटिंग सेक्शन में ज़्यादा जोर मत दो, सिर्फ बॉलिंग सेक्शन में जोर दो, मैं आपको यही बोलूँगा। आर संजीवा की बात करें, आर संजीवा जैसे कि आप देख रहे हैं ये भी एक नॉर्मल बैट्समैन है, और अगर आगे चलें तो यहाँ से ए इजाज़ आप देख रहे हैं ये बिल्कुल लो प्लेयर है, पर सेफ है तभी मैं इसके साथ गया हूँ 81%, क्योंकि वरना मेरे पास और कोई चॉइस बचती नहीं तो मैं इसके साथ ना जाता बिकॉज ऑफ हमें यहाँ से क्रेडिट प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। बात करें ऑलराउंडर की तो जेड रहमान मेरा फेवरेट प्लेयर भाइयों, इसने बंदे ने चलना ही चलना है। और इसकी खासियत आपको बताता हूँ, खासियत इसकी ये है जैसे कि आप देख रहे हैं, एक बार आपको इसकी खासियत बता दूँ, बॉलिंग में तो जो एक्सपर्ट है तो है, लेकिन बैटिंग जब ये करता है देखो 55 रन इसने मारे हैं, 55 रन में सिर्फ 2 चौके और 1 छक्का, क्योंकि ये अपनी विकेट नहीं उड़ने देता भाइयों, बिल्कुल हल्का खेलता है, बिल्कुल ज़्यादा मतलब छक्के चौके मारने के सहार ही नहीं, सिर्फ सिंगल लेगा, बस सिंगल रन लेके पूरे 20 ओवर भी खेल जाता है कई बार। तो 20 ओवर की अगर बात करें उसमें आपको ज़्यादा नहीं, तो भाई वो 80+ राउंड पॉइंट देने ही चाहिए इसको। और ए हमसा की बात करें फर्स्ट मैच में कमाल कर गया था 1 जून के मैच में, 15 रन प्लस 3 विकेट्स, तो 15 रन प्लस 3 विकेट में काफ़ी हैरानी की बात है। अगले मैच में 8 रन प्लस 1 विकेट, उधर देखो बैटिंग जो उसकी है तो है नॉर्मल, लेकिन बॉलिंग में एक्सपर्ट है ये प्लेयर, एक्सपर्ट मैं आपको बता दूं, मस्ट पिक है, लेना ज़रूर। और एन शाहिद की बात करें, मेरा आज के शायद मैच में मैं इसको कैप्टन रखूँ, क्योंकि मेरे को अंदर से ये कैप्टन काफ़ी बढ़िया लगता है, क्योंकि भाई इतना ज़बरदस्त प्लेयर ढूंढने पर भी नहीं मिलता भाइयों, और इतना अच्छा 9.5 क्रेडिट में हमें प्लेयर मिल रहा है तो हम इसको क्यों ना लें। और यहाँ से और चॉइस है एन मिलन की, वो आपकी मर्ज़ी है, अगर आपको लेना हो तो किसी को ड्रॉप करके, लेकिन मैं आपको ये राय दूंगा इसको ड्रॉप करके आप ले सकते हो, बाकी आपकी मर्ज़ी है। अब चलते हैं आगे भाइयों, यहाँ से अगर हम बात करें बॉलर की तो के मोहम्मद जो कि मैं आपको बता दूं एक नॉर्मल जैसे कि बैट्समैन की बात करें सॉरी बॉलर की तो काफ़ी ज़बरदस्त बॉलर है, 1 से 2 विकेट लेके जाने की हर मैच में इसकी क्षमता है। और यहाँ से एक प्लेयर है आर फर्नांडीज़ जो कि मैं आपको बता दूँ आर फर्नांडो है इसका नाम, तो आर फर्नांडो या फिर आप इसकी जगह ले सकते हैं सी जिया सिंगे। तो इन दोनों में मैंने आपके ऊपर चॉइस छोड़ दी, एक फर्नांडो बॉलर है और वो एक बैट्समैन, और अगर बॉलिंग पिच है तो आप इसके साथ भी जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरा कुछ अंदर से मन है कि आज इसके साथ जाऊँ क्योंकि अच्छा बैट्समैन है ये भी। और नीचे से बात करें एस अमीन, जहाँ से मैं लूँगा GHC का भाई हूँ, काफ़ी बढ़िया प्लेयर, एक आधी विकेट ले ही जाता है हर मैच में। और यहाँ से अगर हम नीचे से देखें तो यहाँ से मैं लेने वाला हूँ एन हंगमेवे को, जो कि मैं आपको बता दूँ अच्छा खेलता है, बैटिंग में भी अच्छा है और प्लस बॉलिंग में भी अच्छा है। बात करें अगर मैं यहाँ से कैप्टन वाइस कैप्टन की तो कैप्टन मेरा रहने वाला है एन शाहिद और वाइस कैप्टन रहने वाला है जेड रहमान, जो कि भाइयों ये कॉम्बिनेशन आपको अपने हर प्लेयर की टीम मतलब हर ओपोनेंट की टीम में देखने को मिल जाएगा। ये नहीं मेरी कुछ टीम, बाकी फाइनल टीम मैं पोस्ट कर दूँगा अपने चैनल पर। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले मैच के प्रेडिक्शन के साथ, अभी के लिए बाय फ्रेंड्स, आपका दिन शुभ रहे।